सीएम पद को लेकर सांसद दीपेंदर हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। सीएम पद को लेकर फैसला आला कमान करेगा, ये बयान वो पहले से देते रहे हैं, ये बयान वो लगातार कहते रहे हैं। कल से दिल्ली में ही जमे हुए दीपेंदर सिंह हुड्डा, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते रहे हैं कि पहले विधायकों की राय ली जाएगी, वो अपने दल का नेता चुनेंगे और उसके बाद फिर आला कमान का रोल भी सामने आएगा। एक नई शुरुआत हरियाणा में हो और हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभर के आए, सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभर के आए, ये हमारा लक्ष्य था बदलाव का। वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है हम सब ने। इसके आगे जहाँ तक किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है। दीपेंदर हुड्डा को आपने सुना, हमारे साथ रवि हैं, रवि रोहतक में ही मौजूद हैं। रवि, हम दीपेंदर हुड्डा को सुन रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा भी तमाम तरह की बातें कह चुके हैं। इस वक्त जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए और जिस तरह की जानकारी अभी तक सामने आ रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि हुड्डा परिवार सबसे ज्यादा प्रभावी होकर सामने आएगा और खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा। आप उनके प्रभाव के इलाके में मौजूद हैं, वहां क्या हाल है, वहां पर भी क्या कांग्रेस को उसी तरह की बढ़त हासिल है जिस तरह की बढ़त इस वक्त एग्जिट पोल दिखाई दे रहे थे? ही मौजूद है और देखिए हमारे पास जानकारी यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी घर के अंदर हैं और शायद 9 बजे वो पहली बार बाहर निकले मीडिया से बात करें। लेकिन जिस तरह से बात हो रही थी कि हुड्डा परिवार की दावेदारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान ही अपने आप में बता रहा है कि कितनी बड़ी दावेदारी पहले ही उन्होंने पेश कर दी है कि न मैं टायर्ड हुआ हूँ, न रिटायर्ड हुआ हूँ। और दूसरी बात कि दीपेंद्र हुड्डा का नाम भले ही चल रहा हो, ऑफिशियली कहीं से किसी ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि अगर कोई दूसरी सहमति बनती है तो ऐसा ना हो कि परिवार की बात पहले ही उछाल दी जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद कांग्रेस का उत्साह चरम पर है और जितनी अच्छी संख्या होगी सीएम के नाम के चुनाव में आलाकमान को शायद उतनी सहूलियत होगी। फिलहाल जरा तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा आपको जल्दी से। ये देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर की तस्वीरें हैं और अमूमन जो है यहां पर ही सारे कार्यक्रम होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पहली बार वो आते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लेकिन आज का दिन खास है। ये देखिए हुक्का भी यहां पर तैयार है और लोग हुक्के का आनंद ले रहे हैं। जरा मैं उनसे बात करता हूँ, थोड़ी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है आज मन में, क्या चल रहा है, मूड क्या है। एग्जिट पोल ने तो कहा कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है 10 साल बाद। देखो पिछली बार भी कांग्रेस आ गई थी। अच्छा। पिछली बार भी आ गई, लेकिन जेजेपी ने जो गद्दारी की है लोगों से, उन्होंने कहा था अब की बार खट्टर जमुना पार, उन्होंने अपने लालच में उन्होंने सरकार उनकी बनवाई थी, नहीं तो लोगों ने पिछली बार भी हुड्डा साहब के अंदर लड्डू बटेंगे, जलेबी बटेगी, बर्फियां बटेंगी, फल बटेंगे। जी बर्फियां बटेगी। अच्छा जी। अच्छा सीएम कौन होगा? मतलब चौधरी यही सिंह हुड्डा हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री हैं और लोगों की दिलों की धड़कन में रहते हैं। मतलब एक सीएम, नेक्स्ट सीएम जी बनेंगे जी, 70 पार सीट है।